हाय फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे कि ये जो डिजाइन है स्पाइरल जैसा कुछ डिजाइन, इसको हम ArtCAM में ले जाके कैसे कटिंग कर सकते हैं। और कभी कभी क्या है, जब हम कोई लाइन आर्ट को ले जाते हैं तो उधर कुछ एरर मैसेज शो करते हैं, तो हम उस एरर को कैसे सॉल्व करते हैं ये बात आज दिखाऊंगा। तो ये एक स्पाइरल डिजाइन है। फाइल, एक्सपोर्ट, इसको हम ईपीएस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे। तो इधर ईपीएस सिलेक्शन कर लिया, सपोज इसका नाम दिया हमने ग्राफिक वन, सिलेक्टेड ओनली सिलेक्ट रख के एक्सपोर्ट, ओके। किसी ने अगर डीएक्सएफ में से एक्सपोर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, जिनके पास आर्ट कोल्ड्रॉ का अपर वाला वर्सन है बहुत ज्यादा, तो वो लोग क्या करेंगे, फाइल एक्सपोर्ट, इधर से DXF सिलेक्ट कर लेंगे, ऑटो कैड DXF, ठीक है, फिर ग्राफिक्स का नाम देके एक्सपोर्ट, ओके। अभी हमें करना क्या है, ArtCAM को ओपन करना है। और इसका साइज आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा साइज है, तो हम 36, ये देखिए, तो हम 48 इंच बाई 48 इंच का एक पेज लेता हूं, देखिए, सपोज 48 बाई 48 इंच का एक पेज लिया, फिर मिलीमीटर में यूनिट को कॉन्वर्ट करके ओके। फिर विंडोज टाइल वर्टिकली, ये जो व्यू है इसमें हम वेक्टर इंपोर्ट, इधर से उस ग्राफिक्स वन ईपीएस या डीएक्सएफ जिसे हमें अच्छा लगे उसको इंपोर्ट करेंगे, फिर F9 प्रेस करके पेज का मिडिल में हम इसको ले लेंगे। अभी देखिए इसमें बहुत सारा लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है इसको अनग्रुप ऑल कर देंगे, करने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट। अभी इधर जो लाइन है हमें चेक करना होगा कि इधर एक्स्ट्रा कोई लाइन है कि नहीं, तो इसको सिलेक्ट किया Ctrl+X, नहीं ठीक है एक ही लाइन है, तो इसको टूल पाथ देने के लिए हम क्या करेंगे, इस टूल पाथ ऑप्शन में जाएंगे, फिर ये जो 2D प्रोफाइलिंग इसको सिलेक्ट करेंगे। तो सपोज 6 mm एंडमिल से काटना है तो हम क्या करेंगे, इनसाइड कटिंग करेंगे इसका खाली, तो ये सिलेक्ट करने के बाद फिनिश डेप्थ, सपोज हमारा फिनिश डेप्थ है 6 mm, फिर एंडमिल हम 6 mm सिलेक्ट करेंगे, तो एंडमिल इधर 6 mm हम एक बार में ही काटेंगे, तो 6 mm दे दिया, ओके सिलेक्ट। फिर इधर मेटेरियल का हाइट सपोज 6 mm है तो 6 mm रखा, ओके। फिर टूल पाथ को कॉन्वर्ट करने के लिए नाउ, देखिए बन गया। तो किस वजह से ये नहीं हो रहा था आपको समझ में आ गया, आपका इधर में लाइन था, तो सपोज ये काटिंग करना है, आपका जो लाइन था उस लाइन के अंदर ओवरलैप था। देखिए मैं थोड़ा Ctrl+Z करके आपको दिखाता हूं, अभी देखिए ये टूल पाथ को मैं अभी डिलीट कर रहा हूं, तो देखिए एकदम सेम पोजीशन पे दोनों है। तो आप जब दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके टूल पाथ बना रहे हैं तो इधर ओवरलैप हो रहा है, टच हो रहा है, देख लीजिए, इसी वजह से वो नहीं हो रहा था। तो हमें क्या करना है, इसको बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, नहीं तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे, सपोज आपको इसी साइज में चाहिए तो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये छोटा कर दिया, एक मिनट, इसको शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके मैंने छोटा कर दिया। तो अभी देखिए दोनों को एक साथ कटिंग करना है कि ये भी कटिंग होगा और वो भी, तो इतना सा गैप आपको रखना चाहिए। फिर इसको ऐसे सिलेक्ट करके आपको टूल पाथ में जाना है, और इस टाइम टूल पाथ आपको आउटसाइड कटिंग करना है क्योंकि एक बॉर्डर है, इससे पहले खाली ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो इनसाइड सिलेक्शन होगा। देखिए 2D प्रोफाइलिंग में मैं इनसाइड किया था, इनसाइड कब होगा, जब खाली इतना सा सिलेक्ट करेंगे, पर जब ये पूरा पूरा होगा तो आउटसाइड सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। फिर 6 mm एंडमिल से स्टेप डाउन 6 mm है, ओके। अच्छा इधर एक बात देख लीजिए, ये कटिंग करने के टाइम फीड रेट 120 और प्लांग रेट जो है 80 रखिएगा, ठीक है।
अभी देखिए नाउ ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए कोई भी दिक्कत हुआ तो ड्राइंग जो आप किए थे, ड्राइंग जो आप किए थे एकदम सही किए थे, खाली ओवरलैप हो गया था दोनों लाइन के बीच, इसीलिए आपका टूल पाथ नहीं बना। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जब मल्टीपल कोई लाइन होगा एक दूसरे के ऊपर उठ के ना रहे, तभी सही टूल पाथ आप बना पाएंगे। मुझे लगा आप लोगों को समझ में आ गया। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।